आपने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए होंगे उसमें मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा गया होगा कि वो उस गोल्ड मेडल की क्या कहानी है जो उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब ने आपको दिया था। जी वो 1987 की बात है, 1987 भोपाल में एक ध्रुपद का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े ध्रुपद के संगीतज्ञ आए थे और उसमें मैं महज 21 साल का था और उस समय मेरा भी वहाँ एक कार्यक्रम रखा था। और मेरा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ सामने अमीनुद्दीन खान साहब, मेरे दोनों गुरु और भी बड़े बड़े ध्रुपद के संगीत जगत के बड़े बड़े गुणी कलाकार सब बैठे हुए थे और अच्छी ऑडियंस बैठी हुई थी। और मेरा जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मतलब तो जैसे ही ख़त्म हुआ तो आयोजक आके बोले कि मैं उठने लगा तो बोले नहीं नहीं आप बैठिए, तो मैं बैठ गया। फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ कि उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब उदय को उनके गाने से वो एक आशीर्वाद के स्वरूप में उनको अच्छा लगा तो एक आशीर्वाद के स्वरूप में वो गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, तो मुझे गोल्ड मेडल उन्होंने अनाउंस किया। और मेरे दोनों उस्ताद जो कि अमीनुद्दीन खान साहब से छोटे भाई थे दोनों, उनके कज़न, तो मेरे को सीखने के लिए गोल्ड मेडल दिया और मेरे दोनों उस्ताद को सिखाने के लिए भी गोल्ड मेडल दिया कि आपने अच्छा सिखाया इस बच्चे को। और ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए जो अमीनुद्दीन खान साहब डागर साहब जो एक सूर्य के समान उनका जो व्यक्तिमत्व था, उनसे ये आशीर्वाद के रूप में और प्रोत्साहन के रूप में मुझे ये दिया जाना, ये मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी घटना है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात मैं जब जब उनको कलकत्ता या बम्बई में जब जब मिला, वो उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा संस्मरणीय अनुभव रहा। उदय जी, हम इस इंटरव्यू को और आगे बढ़ाएं उससे पहले गुजारिश करेंगे कि कोई बंदिश जो आप हमें सुनाना चाहें। जी मैं राग झिंझोटी में एक ध्रुपद जो तेवरा ताल में निबद्ध है वो प्रस्तुत करता हूँ। Ah.
धर्म भेद श्रुति न करत सुर न रामुनि ध्यान न अच्छा उदय जी, हम ध्रुपद के बारे में हमेशा से ये सुनते आए हैं कि ध्रुपद एक ऐसी कला है जो अब विलुप्त हो रही है, यानी बहुत ज्यादा कलाकार इसके बचे नहीं है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप शहनाई की बात कर लें या आप सारंगी की बात कर लें। सारंगी खास तौर पर आप अगर उपशास्त्रीय संगीत में हम जाएं तो टप्पा की बात कर लें, यानी ये वो शैलियां हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त सी होती जा रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ये सच है कि ध्रुपद जो है वो एक विलुप्त होती हुई शैली है, उस तरफ बढ़ रही है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है? देखिए, हमें थोड़ा सा इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि एक समय था जब हमारे देश में ध्रुपद ही था, ख्याल का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय सब ध्रुपद गायक ही थे, और आज भी हम जब ख्याल के सब घराने देखते हैं तो उनके जो पूर्वज थे या उनके घरानों के जो संस्थापक थे वो बेसिकली ध्रुपद के ही कलाकार हुआ करते थे। तो अब ये कारण तो बहुत सारे रहे होंगे कि जिसके कारण ये ध्रुपद धीरे 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 कम हो गया, और फिर गाने वाले कम हुए तो फिर कार्यक्रम कम हुए, सिखाना भी कम हुआ, ऐसा सब धीरे 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 कम हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो इसका जो एक कहें एक ऐसा कुछ जो ऐसे पक्ष थे जो ठीक नहीं थे वो लोगों के सामने ज़्यादा आए, और जो इसमें अच्छाइयाँ हैं, जो इसमें खासियत है, वो खासियत लोगों तक उतनी पहुंच नहीं पाई मुझे ऐसा लगता है, या लोगों ने उतना गंभीरता से उसको लिया नहीं। तो खैर, कारण और भी बहुत सारे रहे हैं, हम कारणों में नहीं जाना चाहते, पर जो भी रहा है सत्य तो ये है कि ये कम होता गया, और आज भी ये ख्याल गायकी की तुलना में काफ़ी कम है। और पर इतना मैं कहूँगा कि जो आज से 40-50 साल पहले जो एक ध्रुपद की स्थिति थी उसमें डागर बंधुओं का परिवार, मलिक बंधुओं का परिवार और कुछ दो तीन लोग, सियाराम तिवारी जी, रामचंद्र जी, ये लोग ऐसे, ये 4-6 नाम ही केवल ध्रुपद के लिए उस समय आते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी बहुत कम होता था। पर पिछले 25-30 सालों में धीरे 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 ये काफ़ी बढ़ता गया है, और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है, लोग सीखना चाहते हैं। और अब ये सत्य बात तो है कि मेरे पास हर हफ्ते फ़ोन आते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और मुझे मना करना पड़ता है कि मैं कितने इस विद्यार्थियों को सिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब ये अगर हम ख्याल गायकी से इसका अगर कंपेयर करें कि ख्याल गायकी कितनी लोकप्रिय है, कितने लोग सीखते हैं, कितने कॉन्सर्ट होते हैं, कितने गाने वाले हैं, उसकी तुलना में बहुत कम है, पर ध्रुपद निश्चित तौर पर आगे बढ़ा है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसके
गाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, जिसके कार्यक्रम सभी काफ़ी बढ़े हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, इसके अंदर से एक हमें एक आशा का एक, मैं आशान्वित हूँ इसमें बहुत कि आगे बढ़ेगा और लोग सीखेंगे इसको। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।